नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स। और जितने भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप सभी को पता ही है कि आपको पीडीएफ बनाकर जो है भेजनी है। और पीडीएफ कैसे बनानी है अडोब स्कैन से, वो मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो गलती कर रहे हैं, और उस पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पीडीएफ का साइज कम करने का। और साथ ही साथ उसमें एक इम्पोर्टेंट नोट भी लिखा है, जो स्टूडेंट काफ़ी पढ़ चुके हैं लेकिन काफ़ी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि उन स्टूडेंट का जो डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो पीडीएफ है उसका नाम क्या लिखना है, और साथ ही साथ जो आप जीमेल आप जो भेजोगे यूनिवर्सिटी को उसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट है जो वो अडोब स्कैन से ही जो है अपनी पीडीएफ बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सही प्रोसीजर इसका। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर अडोब स्कैन में ऐसे पीडीएफ बना रहे हो, ऐसे आपने पीडीएफ क्लिक की, दो पेज हो गए हैं, तो आप जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आपको नेम चेंज करना है इस पीडीएफ का, तब आपको सेंड करनी है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है जो भी आपका रोल नंबर होगा, जैसे जो भी आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद आपका जो पेपर का कोड है, जैसे आप एमए में हो तो एमए ऐसे होता है कुछ, एमए ऐसे करके 401 ऐसे कुछ होता है, तो आपको ये ब्रैकेट में लिखना है, फिर ओके करना है। फिर आपको जो ये पीडीएफ सेव करनी है, ऐसे ये पीडीएफ सेव हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपको जो ये ऐसे दिखाता रहेगा अपलोडिंग, इसकी आपको वेट नहीं करनी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपकी जो पीडीएफ है उसका लिंक जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मोर पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करके, मोर पर क्लिक करते हो जो आप, तो आपको यहाँ पर सेव टू डिवाइस, कॉपी टू डिवाइस इसका ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो पीडीएफ है वो आपकी फ़ोन की डॉक्यूमेंट है जो, उसमें चली जाएगी, जो फ़ोन की फाइल होती है आपकी, उसमें डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है एक, उसमें चली जाएगी। तो आपको वहाँ से वो शेयर करनी है, वहाँ से आपकी पीडीएफ शेयर होगी। अगर आप यहाँ से करोगे तो लिंक जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इस पर आपको क्लिक करना है सेव टू कॉपी। फिर उसके बाद जीमेल पर क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट में क्या लिखना है जीमेल के। तो चलिए एक बार इस पीडीएफ को सेव कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। फिर आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना है, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन होगा, वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है वो शेयर करनी है। तो दोस्तों, जो हमने पीडीएफ सेव की थी, कॉपी टू डिवाइस किया था, वो यहाँ पर आ चुकी है। आपका जो फ़ोन का डॉक्यूमेंट ऑप्शन होगा फाइल मैनेजर में, उसमें आ चुकी है। अब हम यहाँ से इसको शेयर करेंगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और शेयर पर क्लिक करना है। ये देखिए ऑप्शन, जो भी आपके मोबाइल में जैसे भी आता होगा, शेयर पर क्लिक करना है, और आपको जीमेल पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी पीडीएफ आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो जीमेल आपको दी गई है आपके एडमिट कार्ड पे है जो जीमेल, वो यहाँ पर फिल करनी है जो भी होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या क्या लिखना है, क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना जो सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, वो सब्जेक्ट लिखना है, कंप्यूटर जो भी है आपका, ठीक है। और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। और ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, जो आपका पेपर का कोड है, जैसे एमए 401 जो भी आपका होगा वो कोड लिखना है। और उसके बाद लिखना है अपना नाम, और यहाँ पर फादर नेम, ठीक है, आगे जो भी आपका फादर नेम होगा वो लिख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी जो रोल नंबर है वो लिख देना है दोबारा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पेपर कोड है वो भी लिखना है, ऐसे ही ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर लिखा है, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है, पूरी डिटेल आपको लिखनी है, तभी आपकी जो पीडीएफ है वो सबमिट होगी सही तरीके से,
और आपका जो रिकॉर्ड है वो सही से मैनेज हो पाएगा, इनके जो वो आपका रिकॉर्ड सही से रख पाएंगे, फिर आपको शेयर कर देना है इसको। और इसके लिए आपको 30 मिनट बचा के रखने हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क बहुत ही स्लो हो जाता है और कभी कभी PDF जो है वो नहीं जा पाती, काफ़ी देर में जाती है, इसलिए आप 30 मिनट बचा के रख लीजिएगा। उन्हीं 30 मिनट में आपको PDF बनानी है और शेयर करनी है, और PDF के पेज को आप सही से क्लिक करिएगा। तो आपको ये अपडेट देनी थी बस, इसलिए क्योंकि आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें स्टूडेंट ने लिंक जो है भेज दिए हैं PDF के, और उनका जो एग्ज़ाम है वो चेक कैसे होगा ये संशय बन गया है अब, तो आपसे ये गलती ना हो इसलिए मैंने ये अपडेट डाल दी है यहाँ पर। अब आपकी शेयर करने की जिम्मेदारी है ताकि हर स्टूडेंट वो गलती ना कर दे जो आज हुई है। धन्यवाद। जय हिंद।